हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक चम्मच तेल में बहुत ही हेल्दी और झटपट बनने वाली तड़का वेजिटेबल इडली बनाएंगे, साथ में ताजे नारियल की चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई को तड़कने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून चना दाल। दोनों को कुछ देर तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 कड़ी पत्ता, जिसे मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक। सभी को 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट कलर आने तक भूनेंगे, तो प्याज को हम लगातार चलाते रहेंगे। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट सूजी को लो फ्लेम पर भून लेंगे। सूजी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो 2 से 3 मिनट हमने सूजी को भून लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही, साथ में लेंगे 1 कप पानी। तो पानी हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। तो अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अब हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए जार में हम डालेंगे 1/2 कप नारियल। नारियल को हमने छोटा छोटा काट कर लिया है। 4 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली के दाने, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन की कली, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 7 कड़ी पत्ते, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 4 बड़े चम्मच फ्रेश दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीसते समय अगर आपको और भी पानी लगे तो आप थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। तो चटनी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे और अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। 1 टीस्पून तेल को हमने गर्म किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून उड़द दाल, 2 पिंच हींग, 6 से 7 कड़ी पत्ते, 3 से 4 टुकड़े सूखी लाल मिर्च। अब हम तड़के को तुरंत चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो चटनी बनकर तैयार है, तो इसे अब हम अलग रखेंगे। इडली बनाने के पहले स्टीमर में पानी डालकर लो फ्लेम पर गैस पर रखेंगे और साथ में इडली की प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से सारी इडली की प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस कर तैयार कर लेंगे। अब हम इडली के बैटर को चेक करेंगे, तो बैटर अच्छे से फूल गया है। तो जो पानी हमने बचाया था अब हम उसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप पूरा पानी हमने इसमें डाला है, तो बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट, ऊपर से 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें बैटर को ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम तुरंत इसे प्लेट में डालेंगे। इसी प्रकार से सारी प्लेट में बैटर को डालकर तैयार कर लेंगे और अब हम इसे तुरंत इडली स्टैंड में रखेंगे। तो स्टीमर बहुत गर्म है, तो इसे आराम से रखें। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद इडली को चाकू की सहायता से निकाल लेंगे।
और इसे गर्मा गर्म चटनी या सांभर किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वेजिटेबल तड़का इडली की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।